अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक चली, जिसमें महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी शाह के आवास पर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की सलाह दी। साथ ही शिंदे और अजीत पवार को हिदायत दी कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। दरअसल महायुति में 22 सीटों पर मतभेद है, लेकिन बैठक के बावजूद 7 सीटों पर विवाद खत्म नहीं हुआ। तीनों ही पार्टियां 5 से 7 सीटों का दावा कर रही हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का भी खाका तैयार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक 7 नवंबर से 14 नवंबर के बीच पीएम मोदी की लगातार रैलियां होंगी और महायुति के लिए क्षेत्रवार रैलियां करेंगे। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसके बाद पार्टी में बगावत के सुर उभरे थे। जी